एमएमसीएच में आज स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। इमरजेंसी को छोड़कर सभी ओपीडी की सेवाओं को बंद करा दिया गया, और यह बंद किसी राजनीतिक संगठन या दल के लोगों ने नहीं बल्कि चिकित्सकों ने ही कराया। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जूनियर रेजिडेंट और एमएमसीएच में अध्ययनरत सैकड़ों की संख्या में मेडिकल छात्रों ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया। ओपीडी सेवा बंद करा रहे डॉक्टरों की मांग थी कि अस्पताल में डॉक्टर को सुरक्षा प्रदान किया जाए। दरअसल 16 जुलाई की रात में एमएमसीएच में एक मरीज की मौत हो जाने के बाद मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा था। चिकित्सकों के साथ मारपीट के साथ जानलेवा हमला करने लगे थे, जिसके बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने लोहे की खिड़की को तोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। इस घटना से आक्रोशित एमएमसीएच में कार्यरत डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद करा दी। ओपीडी सेवा बंद करा रहे चिकित्सकों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार इस तरह की घटना घट चुकी है। डॉक्टर इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस मांग को लेकर चिकित्सकों ने एमएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से बात की और मांग पत्र सौंपा। 45 एक्चुअली तो याद नहीं है स्ट्रेस के कारण एक पेशेंट जो ऑलरेडी एडमिट था उसका डेथ हो गया। तो हमारा ड्यूटी शिफ्ट अराउंड 9 o'clock चालू होता है। उसका पेशेंट छूट से क्रिटिकल था जिसको रांची रेफर ऑलरेडी किया गया था, जो ऑलरेडी बीएसटी में मेंशन है उसका। उसके डेथ होने तक हम लोग ने उसको जितना हुआ हम लोग ने कहा कि आप इसे ले जाओ, रिम्स रेफर किया गया हायर सेंटर। उसमें बीएसटी में ऑलरेडी सब मेंशन है। पेशेंट किसी कारणवश या 108 अवेलेबल नहीं था, वो नहीं ले गया और पेशेंट कोलैप्स कर गया। तब तक क्या हुआ कि मैंने जैसे उस पेशेंट दोबारा चेक करने गया तो उन्होंने मेरा स्टेथो छीना, मास्क मेरे मुंह से हटा दिया। फीमेल थी, 2-3 फीमेल थे, 2 जेंट्स थे कि अब क्यों आए हो, ठीक है। और जबकि हमने डेक्सोनाडोरफैन लिखा वो भी लगवाने नहीं दिया गया, और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया पेशेंट इतना ज़्यादा। तो शुक्र है उस वक्त 2 पुलिसकर्मी एक अननोन पेशेंट को लेकर आए हुए थे जो अल्कोहल का हाइपोग्लाइसिमिया में बेहोशी का स्थिति में था। उस परिस्थिति में भी पुलिसकर्मी इसके गवाह हैं, हम लोगों ने उनको फ्लूइड जैसे ही लगा पेशेंट फॉर्म नॉर्मल हुआ तो उनके रहते उन्होंने तुरंत हम लोग को बचाया। हम लोग को रूम के अंदर किया गया। हम लोग 3 डॉक्टर थे, सिस्टर्स थी, मतलब पूरा मेडिकल स्टाफ जो भी वहाँ पे था उन लोग सारे मेडिकल स्टाफ से था। कंप्लेन ये था कि जहरीले इंजेक्शन लगाया गया। हम लोग तो मेडिकल साइंस को ऐसा जहरीले इंजेक्शन होता नहीं है। हाँ, दवा काम ना करे अलग बात है, बीमारी अलग हो, डायग्नोसिस गलत, दवा काम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी इंजेक्शन नहीं होता है जो जहर का हो और डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ब्लेम लगाया गया कि जहरीली इंजेक्शन लगाया गया और हमें आपको देख लेंगे, मास्क उतार के फोटो खींचा गया, जान से मारने की धमकी दी गई। परिस्थिति इतना बिगड़ गई कि पुलिस के 2 पुलिस गार्ड उन्होंने बहुत बहादुरी से रोक के रखा था, क्योंकि महिला थी और महिला मेल पुलिसकर्मी थे तो उनको ये आरोप लगा रही थी कि आप लोग जेंट्स हो, हम महिला को नहीं छूते। तो बेचारे पुलिसकर्मी वाले भी अवस्था ऐसी थी कि डेफिनेटली वो जेंट्स थे, उनको भी अपना डिपार्टमेंट का सोचना था, फिर भी वो डट के खड़े रहे जबकि महिलाएं उनके बारे में बहुत कुछ बोली, लेकिन उन्होंने कहा सर हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। परिस्थिति इतना बिगड़ गई कि आप सोच नहीं सकते हो, हम लोगों ने एक लोहे की खिड़की को तोड़ना पड़ा। लोहे की खिड़की तोड़ के, जिसका आप लोग फोटो भी ले सकते हैं, वहाँ टूटा हुआ है, लोहे की खिड़की तोड़ के हम लोग निकले। जान के मारने की धमकी देना, ये करना, आपका फ़ोटो खींच लिए हैं हम, आप लोग को देख लेंगे, ये सब करके हम लोग किसी तरह जान बचा के वहाँ से निकल गए। तो आज एमएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डीके सिंह ने डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने ये नियम पारित कर दिया कि मरीज के साथ 2 अटेंडेंट ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में जा सकते हैं। ज़्यादा अटेंडेंट होने पर उस मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर डॉक्टरों द्वारा दिए गए मांग पत्र को उन्होंने जिला प्रशासन को फॉरवर्ड किया। इसके साथ घटना में शामिल असामाजिक तत्व के लोगों की पहचान कर कार्रवाई की भी मांग की। 5-1 का सिक्योरिटी हो और अस्पताल में मौजूद रहे, समझे। दूसरा हुआ कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसके साथ जो है 1-2 अटेंडेंट रहे, 25 अटेंडेंट के साथ ना रहे, तब ये डॉक्टर इलाज करेगा। और यहाँ दलाल का जामबारा अगर है तो प्रशासन को मैंने चिट्ठी लिखा है, एसपी साहब को लिखा है, डीसी साहब को लिखा है, पुलिस महानिरीक्षण को महानिरीक्षक को चिट्ठी दिए हैं। अपने स्तर से जो है सीसीटीवी फुटेज जो है तो देख करके जो है तो उस पर कार्रवाई करें।